अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट गेमिंग के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक गुरु। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं GTA 5 रिडक्स मोड अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। और ये एक GTA San Andreas का मोड है और आपको इसमें बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स मिल जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड वीडियो डेली लाता रहता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपने ब्लॉग का लिंक दूंगा, आपको इसको ओपन करना है। और यहाँ से नीचे आइए, यहाँ पे देखिए GTA 5 रिडक्स मोड फॉर एंड्रॉयड और यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से नीचे चले जाइए। मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया, आप यहीं से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए APK और डाटा है, तो आपको यही दोनों को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है और उसके बाद आपको प्ले स्टोर से ZArchiver नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए और आपने जहाँ भी फाइल को डाउनलोड किया होगा आप वहाँ पर चले जाइए और पहले सबसे पहले आप APK को इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद बैक जाइए और यहाँ डाटा पे क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट हेयर, और यहाँ से आपको पासवर्ड मांगेगा तो आप लिखिए बाय और मेरे चैनल का नाम लिख दीजिए। लिखने के बाद डन, ओके, और देखिए एक्सेप्टिंग होना स्टार्ट हो गया। और एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपको इस तरह का com.rockstargames जो GTSA का फोल्डर मिलेगा, इसको ओपन कीजिए, फाइल्स में जाइए और यह TXGB के फोल्डर में जाइए GTA 3, और आपको ये तीनों को रीनेम करना है अपने GPU के हिसाब से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे रीनेम करिए, अगर आपका माली है तो आप यहाँ से ETC कर दीजिए और अगर आपका पावर VR है तो PVR कर दीजिए, और अगर आपका एंड्रॉइड है तो आपको कुछ भी रीनेम नहीं करना है। तो मेरा एंड्रॉइड है तो मैं कुछ भी रीनेम नहीं करूँगा। वैसे आपको ये तीनों को रीनेम कर लेना है, उसके बाद बैक जाइए और GTA 3 INT में जाइए और इसको भी आपको तीनों को रीनेम कर लेना है जैसे जैसे मैंने बताया, वैसे इसको भी तीनों को रीनेम कर लेना है। और फिर से बैक और यहाँ पे TXGV का फोल्डर में जाइए और यहाँ पे भी आपको ये तीनों को रीनेम कर लेना है। रीनेम करने के बाद बैक जाइए और इसको यहाँ से कट कीजिए, फिर से बैक और एंड्रॉयड में जाइए डाटा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप अपना गेम को ओपन कीजिए, गेम को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन पे क्लिक करिए और यहाँ से रिज्यूम, तो देखिए गेम ओपन हो चुका है और आप लोग इसके ग्राफिक्स देख सकते हैं और आपको इसमें क्लियो मोड्स भी मिल जाते हैं। ऊपर से नीचे स्वाइप कीजिए, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे वेपन व्हील्स मंगाना है तो यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आप लोग देख सकते हैं वेपन व्हील्स। और आपको इसमें GTA 5 का डॉग भी मिल जाता है, ऊपर से नीचे स्वाइप कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।